पिनाहट करीबन दो सप्ताह बाद पिनाहट घाट पर न्याय स्टीमर संचालक शुरू हो गई है, जिसमें क्षेत्र जनता भारी खुशी नजर आ रही है। तस्वीरें में आपको दिखा जाए, देख भी सकते हैं। लोगों के अनुसार ही आपको बताते चलिए कि स्टीम बंद होने के कारण मुख्य कारण विभाग की लापरवाही आ रही है सामने। पिनाहट चंबल नदी से चलते स्टीमर 10 अक्टूबर की रात आपको बता चले कि चंबल में डूब गया था, क्योंकि लोक निर्माण विभाग द्वारा जल स्टीमर की ओर से नदी पर संचालित कर रहा था और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गल चुका है, जिसके कारण करीबन दो सप्ताह के पिनाहट घाट में मध्य प्रदेश की ओर से आगमन रूप बंद हो गया है, जिसके चलते ही भारी परेशानी हो रही है। जिसके चलते आपको बता दें, व्यापारी को जाम लगाने की धमकी तक भी दी जा रही है। आइए सुनते हैं इनका एक बार बयान। प्राइम न्यूज चैनल के लिए आप खास रिपोर्ट देख सकते हैं आगरा से शेर सिंह। आपको विजय कोठारी, कहाँ के रहने वाले? विराट। ये चंबल घाट पर स्टीमर आया, क्या समस्या थी पहले? पहले करीब 15 दिन से ये बंद पड़ा हुआ था। जो पुराना स्टीमर था वो लीकेज की वजह से वो डूब गया, उससे बहुत असुविधा हो रही थी। कितने दिन तक बंद था स्टीमर? करीब 15 दिन तक, करीब 15। इसकी शिकायत आपने किससे की फिर? अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से शिकायत की। उसके बाद इसे स्टीमर का संचालन उन्होंने करवाया, आश्वासन दिया। आज स्टीमर अब पहुँच गया है, आगमन शुरू हो चुका है। आगमन शुरू हो चुका। यहाँ करीब रोजाना की संख्या, कितनी संख्या में यात्री पार होते होंगे? हजारों की तादाद में रोजाना यात्री इधर उधर होता है। जब स्टीमर बंद था 15 दिन, कितने गांव के लोग प्रभावित थे? करीब 150 गांव के करीब लोग प्रभावित। यहाँ के पिनाहट कस्बा के व्यापार पर भी फर्क पड़ता था? काफी व्यापार पर फर्क हुआ। उस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस